नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, खबर एक जो विषय भी इस समय वसईराम महानगर पालिका में जारी है, उस विषय में 31 जनवरी को वसई प्रभाग समिति आयुक्त द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है, कागज पत्र सादर करो। ये नोटिस निकालता है वसई प्रभाग समिति नवगर माणिकपुर के सहायक आयुक्त को उनके घर के अनाधिकृत होने के संदर्भ में। इसकी प्रक्रिया में अगली प्रक्रिया दी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आपने देखे हैं। इसकी प्रक्रिया अंतर्गत 7 दिन पूरे होने के बाद में महानगर पालिका को MRTP नोटिस निकालना था, लेकिन आपको बता दें कि प्रभाग के सहायक आयुक्त महेश पाटिल है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो छुट्टी पे जा चुके हैं, तो इसमें अभी नोटिस निकला नहीं है। नए सहायक आयुक्त के तौर पे निलेश मात्रे को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, लेकिन उन्होंने आज ज्वाइन किया तो अब वह क्या कार्यवाही करेंगे ये देखना बाकी है। जब बात चल रही है सहायक आयुक्त का चार्ज दिए जाने की, तो एक इसमें आपको एक चीज कुछ मैं बताना चाहूंगा, जो गिल्सन गोंसाल्विस का मैंने इतना खुलासा किया है, तो ये भी इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। बीते दिनों 19 जनवरी को गिल्सन गोंसाल्विस को हटाए जाने का आदेश निकला था, और उसमें लिखा गया था प्रभाग एच नवगर माणिकपुर के लिए दूसरा जो कोई ऑर्डर है वहां पर दूसरे की नियुक्ति के लिए वो बाद में निकाला जाएगा, लेकिन वहां कोई ऑर्डर निकला ही नहीं। और फिर 25 जनवरी को गिल्सन गोंसाल्विस 27 जनवरी को वापस अपनी जगह पर पहुंच गए। अब इसमें सवाल यह है कि आप मेरे स्क्रीन पर दो अलग अलग ऑर्डर देख सकते हैं। एक ऑर्डर है प्रभाग समिति ब का, जहां के सहायक आयुक्त सिर्फ 2 दिन के लिए छुट्टी में गए, तो बकायदा वहां पर सहायक आयुक्त डी प्रभाग की विशाखा मोडगने मैडम को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया 2 दिन के लिए सिर्फ। साथ ही साथ अभी जो मैं बात कर रहा था महेश पाटिल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो छुट्टी पे चले गए, तो उनकी जगह निलेश मात्रे को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इन दो सहायक आयुक्त के अपने प्रभाग से हटने पर या छूटने पर या छुट्टी पर जाने पर, जब महानगर पालिका आस्थापना विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से दूसरे अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, तो गिल्सन के मामले में क्यों नहीं दिया गया? तो जैसा मैंने पहला भी बताया कि गिल्सन जो है वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर दबाव डालता है, और उसी का वो नतीजा था। वहां किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई, और 5 दिन बाद में, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वहां 19 जनवरी को वो आदेश निकला था, उसके कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी थी। ये वरिष्ठ जनों को भी बकाया बराबर मालूम था, वरिष्ठ अधिकारियों को भी। वरिष्ठ अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाली 26 जनवरी को कोई ना कोई एक अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वार्ड में होना चाहिए। उसके बावजूद उन्होंने किसी को चार्ज नहीं दिया, किसी को वहां पर लाया नहीं, और बाद में 25 जनवरी को गिल्सन गोंसाल्विस को वापस वहीं पे भेजा गया। 27 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, 25 जनवरी को ही मैंने खुलासा कर दिया था अपनी एक पोस्ट के जरिए, लेकिन लोग सवाल कर रहे थे कि ऑर्डर कहाँ है। तो 27 जनवरी को बकायदा गिल्सन गोंसाल्विस के सिग्नेचर के पत्र मार्केट में आने लगे और लोगों को विश्वास हुआ। खैर, यह विषय अलग था, लेकिन अभी सवाल वही खड़ा है कि जो अधिकारी हर दिन हर किसी के अवैध बांधकाम को ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ता है, उसका खुद का अपना घर इल्लीगल है, तो उसे MRTP नोटिस क्यों नहीं निकाला जा रहा है? उस घर को ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? उस अधिकारी को अपने पद से निलंबित या सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या गिल्सन को खुद नैतिकता के आधार पर हक है अपनी कुर्सी पर बने रहने का? अभी मैं अपने कुछ निजी कारणों से 2 दिन के लिए वसई में अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, मैं वसई में फिर से आने के बाद में
अपना जो सिग्नेचर कैंपेन है वो चलाने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।